हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम यादव और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं पीजीटी लेवल के मैथ्स के क्वेश्चन। तो जैसे कि अभी स्टेट का एग्जाम है 5 जनवरी को, तो हम पर्टिकुलरली इस वीडियो में स्टेट के 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, ताकि आपकी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम सोल्व करते हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ्स के। तो वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है लिमिट एक्सटेंस टू 2 और ये कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, रेशनल फंक्शन है हमारे पास और यहाँ पे लिमिट हमें पूछा गया है एक्सटेंस टू 2। तो यहाँ पे 2 पे चेक करते हैं अगर, तो ये फंक्शन किस फॉर्म में बना है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो देखिए, हमें क्वेश्चन ऐसा कोई भी नहीं पूछेगा कि सिंपली लिमिट सोल्व हो जाए, हमें एक ऐसा फंक्शन जरूर मिलेगा कि जिसमें 0/0 फॉर्म बन रहा हो, 1 की पावर ∞ बन रहा हो, या कोई भी ऐसा फॉर्म बन रहा हो जो क्या है, जिसको हम सोल्व ना कर सके, ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ये। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, एक तरीका इसके फैक्टर कर सकते हैं ऊपर वाले के, क्या हो जाएंगे x-2 x+2, ठीक है, और यहाँ पे 2 रखने पे नीचे वाला फंक्शन भी क्या बन रहा है, 0, तो 2 इसका भी रूट होगा, तो x-2 इसको प्रॉपरली डिवाइड करेगा तो इसका भी फैक्टर बनेगा, जिसमें एक फैक्टर क्या आएगा x-2 और सम क्वाड्रेटिक फंक्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x-2 से x-2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे लिमिट पुट करके x2, तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फंक्शन आता है, ठीक है, वहाँ पे भी मैंने सोल्व किया था इसको कि 2 रखने से क्या बनना है, 0 बनना है, उसको फिर से हमें फैक्टराइज करना होता है। तो इसलिए इतना लंबे मेथड की बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब भी 0/0 फॉर्म आ जाए उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते जाओ जब तक 0/0 बन रहा है, ठीक है, तो ये इजीली सोल्व हो जाएगा। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले का नीचे अलग से डेरिवेटिव, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, नीचे वाला क्या हो जाएगा 3x² - 8x + 4। ये हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया और हमारी लिमिट है एक्सटेंस टू 2। तो अब देखिए लिमिट पुट करके देखे, 2 2 जा 4, ऊपर नीचे यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 4 3 जा 12 -16 + 4। अब क्या बनना है, यहाँ पे ऊपर तो 4 है, नीचे क्या है, ये सब कैंसिल हो गए, 0, 4/0 क्या आ गया, इन्फिनिटी, ठीक है, तो इसका लिमिट क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ओके। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस सिर्फ हमें एल हॉस्पिटल रूल का यूज करना है, ये वाला लंबे वाला प्रोसेस नहीं लेना, क्योंकि स्कूल टाइम में हमने किया था ऐसे क्वेश्चन के फैक्टराइज करके हम सोल्व करते थे, लेकिन हम यहाँ पे बोर्ड का एग्जाम नहीं लिख रहे, हमें टाइम को भी देखना है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल से सोल्व करेंगे। इफ थीटा इज एंगल बिटवीन एनी 2 वैक्टर ए एंड बी, कोई 2 वैक्टर है उनके बीच में क्या है एंगल थीटा बन रहा है, सच दैट ए डॉट बी, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का इसने मैग्नीट्यूड निकाला मॉडुलस, और वो किसके इक्वल बताया, उनके क्रॉस प्रोडक्ट के मॉडुलस के इक्वल बताया, और फिर पूछा है थीटा की वैल्यू बताओ। तो पहले तो क्या करेंगे हम, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों का क्या लेंगे फिर मॉडुलस लेंगे और उनको इक्वेट करेंगे, वहां से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे हमें पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है किसी भी 2 वेक्टर का, ए मॉडुलस इंटू बी मॉडुलस इंटू कोस थीटा, ठीक है, ये तो होता है डॉट प्रोडक्ट, लेकिन इसने क्या लिया पूरे का मॉडुलस वैल्यू लिया है, मीन्स हमें क्या लेना है पॉजिटिव लेना है इसको, और उधर क्रॉस प्रोडक्ट में भी क्या होता है ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, और फिर क्या आता है क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा। ये तो हमने जर्नल इसका फॉर्मूला लिखा है जो डॉट प्रोडक्ट का होता है और क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन किया है, ठीक है, और फिर इसकी मॉडुलस वैल्यू मीन्स इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है हमें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये तो ऑब्वियसली क्या है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो सकते हैं, तो इनका क्या ले लेंगे हम पॉजिटिव पार्ट ले लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा कोस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो देखिए इसने क्या बोल दिया पॉजिटिव, तो ऐसे काफी सारे थीटा होंगे जहां पे कोस और साइन क्या होंगे इक्वल, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरवल होगा, उस इंटरवल के बाद बार बार कोस थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएंगे इक्वल होते जाएंगे, लेकिन यहां पर हमें ऑप्शन में देखना है। तो सबसे पहले इक्वल कब होते हैं, थीटा की वैल्यू क्या होगी 5/4,
45 पे दोनों इक्वल होते हैं, तो ऑप्शन में चेक करना है हमें पाई बाई फोर मिलना है तो हम पाई बाई फोर को टिक कर देंगे, अगर इससे नेक्स्ट वाला पॉइंट मिल रहा है तो उससे नेक्स्ट वाले को पुट कर देंगे, तो ऑप्शन में क्या गिवन था हमें पाई बाई फोर, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 31 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू पूछे, इस जो फंक्शन की कोई वैल्यू आएगी हमें वो वैल्यू बताना। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, इसने हमें 31 बाई 3 क्या है कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन बहुत ही इजी फंक्शन है, इसकी वैल्यू हम देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम इस एंगल को, एंगल क्या है हमारे पास 31 बाई 3 पाई, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 10 पाई प्लस पाई बाई 3, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 पाई प्लस पाई क्या होगा 31 पाई बाई 3, तो हमने क्या कर दिया इस एंगल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 पाई है, हमें पता है कोई भी फंक्शन हो वो 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे, मीन्स 2 पाई के इंटरवल पे कोई भी फंक्शन क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता और हमेशा पॉजिटिव होता, क्योंकि 2 पाई प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 4 पाई प्लस समथिंग ये भी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखिए ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ से क्या होगा फर्स्ट सर्कल में 0 से 90, ये 90 से 180 मींस यहाँ से 0 से पाई बाई 2, ये पाई, ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 2 पाई, एक सर्कल कंप्लीट हो गया। अब 2 पाई प्लस समथिंग कोई भी वैल्यू थीटा यहाँ पे आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट, ऐसे ही ये सर्कल कंप्लीट होके आएगा यहाँ तो 4 पाई आएगा, फिर 4 पाई प्लस समथिंग ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसे ही फिर 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, तो 10 पाई प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं और फंक्शन चेंज भी नहीं होता, ठीक है। चेंज क्या होता है पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे फंक्शन चेंज होता है, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा और मिल जाएगा हमें साइन पाई बाई 3, मीन्स साइन 60, और साइन 60 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है साइन की रूट 3/2, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं स्टेट के पीजीटी लेवल के एग्जाम में, तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसके बाद एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन और पूछा होता, उसने एक सीरीज पूछा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1² + 2² + 3² up to n² इसकी वैल्यू पूछी हुई थी, ये क्या है स्पेशल सीरीज, हमने एपी पढ़ी है, जीपी पढ़ी है, वहाँ पे ये स्पेशल सीरीज का चैप्टर भी आता है प्लस वन में, तो वहाँ पे इन सब को हमने पढ़ा है, इसके फॉर्मूले हमें सभी को याद होता है मोस्टली, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा n (n+1)(2n+1)/6, ये पता है हमें कि नेचुरल नंबर का सीरियल में लगातार होने चाहिए, उनका स्क्वेयर का सम किसके इक्वल होता है n(n+1)(2n+1)/6, अगर ये यहाँ पे क्यूब हो, क्यूब से पहले हम देखें बिना क्यूब सिंग लीनियर में हो up to n, इस सीरीज का सम क्या होता है ये भी सभी को पता है, क्या होता है n(n+1)/2, तो यहाँ पे फर्स्ट सीरीज ये थी, सेकेंड ये है, थर्ड ये क्या स्पेशल चीज, ये तीन तो बहुत ही कॉमन है, इनका बार बार हमसे या तो क्वेश्चन सोल्व करने में इनका यूज हो जाता है या डायरेक्ट इनकी वैल्यू हमसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो लास्ट है हमारे पास 1³² + 3³ up to n³, इसकी वैल्यू क्या होगी गैस कीजिए, आप सभी को पता है क्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है ना इस वाली सीरीज का क्या होता है स्क्वेयर करते हैं हम, इसकी वैल्यू क्या थी ये वाली n(n+1)/2, इसका हमें क्या करना है होल स्क्वायर करना है, ये किसकी वैल्यू होगी इस वाली सीरीज क्यूब वाली, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं समेशन एन क्यूब, इसको समेशन एन, और इस वाले को कैसे डिनोट करते हैं हम समेशन एन स्क्वायर। तो देखिए ये तीन सीरीज थी, तो लास्ट 2016 के एग्जाम में ये वाली सीरीज की हमसे वैल्यू पूछी गई थी, तो देखिए बहुत ईजी है, इनको याद कर लीजिए, ठीक है। तो इजी से क्वेश्चन आते हैं, बस हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देगा वो, हमसे ऐसे क्वेश्चन देगा जो हमारे कॉन्सेप्ट हमारा बेसिक चेक करना चाहता है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी इस वीडियो की वजह से कुछ ना कुछ एग्जाम में हेल्प जरूर होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके,
और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।